अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ इस्तांबुल में, टर्की में लोग कैसे ईद से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। कैंडीज़ लेते हैं, स्वीट्स लेते हैं, पास्ता यानी केक लेते हैं, या केक को पास्ता कहते हैं, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने सब बच्चों में, कैंडीज़ देते हैं। क्योंकि यहाँ ईदी वीदी का इतना फैशन नहीं है, लोग अमूमन बच्चे आते हैं घरों में, उनको जो कैंडीज़ दी जाती हैं, कुछ लोग बाहर खड़े होकर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बच्चों को बांट देते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है रमज़ान में, लोग कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं, ईद की कैसे शॉपिंग करते हैं, ऐसे डिफरेंट चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो शेयर भी कर दें। चले आए चलते हैं जी। ये देखें, यहाँ ईद से पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चों में कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देखें, कैंडीज लगी हैं डिफरेंट। ये अगर आपको क्लोज में दिखाती हूँ, ये देखें, ये सब जो है यहाँ पे टर्की में बच्चों को ईद पे जो हैं ये कैंडीज जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत सारी वैरायटीज़ में ये हैं कैंडीज, देखें बहुत मज़े की। और ये इसके रेट्स भी लिखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल एक किलो शायद वो 100 लेरा के दे रहे हैं। वो ने कदर यूज लेरा तमाम हैप्पी तमाम। और वो ये देखें बॉक्सेस भी, और वो बॉक्स वो यूज लेरा, ओ ये भी यूज लेरा का है, अच्छा लग रहा है। ये देखें, यहाँ पे जेलीज की वैराइटीज़ भी हैं कि जेली लेनी है, और इधर हैं ड्राई फ्रूट्स। ये देखें, ये उन्होंने रखे हुए हैं इनके, ये सब लोग यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ये सब चीज़ें लेते हैं, फिर वो अपने अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रश बहुत है माशाल्लाह आज, ये सब हैं देखें फ्रेश, मज़े के, अच्छा है, फजूल चीज़ों से अच्छा है बंदा ये चीज़ें देखें। ये देख, ये सब हैं, मूंगफली है, चीज़ें ये देख, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें काजू है, बादाम है, अखरोट हैं, सब कुछ मिक्स हैं, ये मिक्स हैं, डिफरेंट रेट्स हैं हर किसी के ना, उसमें मिक्सचर किया हुआ है। और ये देखें, ये यहाँ पे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं ये स्वीट्स, ये देखें ये सब मीठे हैं। और ये देखें, इसको यूँ कैंची से, ये इसमें ना वो होता है अखरोट होता है और इंजील भी होती है, इसको काटते हैं, वो बड़े मज़े का होता है। ये देखें, ये रखे हुए हम देखें, ये खजूरें, ये सब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं, और यहाँ टर्की में सबसे ज़बरदस्त और मज़े का ड्राई फ्रूट होता है ऐसा, कि फ्रेश और मज़े का। ये सब देखें, ये सब ईद की वजह से, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी पैकिंग में सब चीज़ें मिल रही हैं, ये ईद के गिफ्ट्स बनाए हुए हैं। ये देखें, ये कैंडीज हैं, यहाँ पे भी बड़ी वैरायटीज हैं, शॉप के अंदर भी, वो बाहर थी अंदर है। यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे ईद पे खाने वाने के लिए ना तो मसाले वसाले चाहिए, तो ये देखें ये सारे मसाले कितने अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। ये देखें, अभी मैं धनिया लूँगी और ज़ीरा मुझे चाहिए। ये चावल हैं, ये चीनी वगैरह सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ये दालें भी रखी हुई हैं, जो लेना है ले लें, रेट्स भी लिखे हुए हैं। ये मैक्रोनी है ऊपर, और ये देखें यहाँ पे, ये देखें लाल मिर्चें, ये यहाँ पे ऐसे सुखा के ना, यहाँ पे ये जो है ना लाल मिर्चें, ये भी मिलती हैं, इसमें अच्छा टेस्ट आता है, इसको खाने में डालें तो। ये देखें, ये देखें, ये ईद के हिसाब से गिफ्ट देने के लिए, ये देखें ये पैकिंग की हुई है, ये देखें ये पैक है, गिफ्ट पैक, आपने ईद में किसी को गिफ्ट देना है तो ये देखें ये गिफ्ट है, ये ईद पे ना गिफ्ट देने के लिए ये पैकिंग की हुई है, बड़ी खूबसूरत।
ये देखें गिफ्ट पैक बनाए हुए हैं ईद पे गिफ्ट करने के लिए। मीठी इधर से मीठी चॉकलेट्स हैं, 250 लीरा का है ये एक पैकेट। ये देखें जी, ये ईद के रौनकें हैं, यहाँ पे भी कैंडीज का स्टॉल लगा हुआ है। तो ये भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, कैंडीज भी हैं, काफ़ी रश है अंदर। ये है यहाँ पे, ये अरेबिक लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये मीठा और ये स्वीट होता है, ये रफ्तार के वक्त खाते हैं। देखो कितना रश लगा हुआ, क्योंकि रोज़ा खुलने का टाइम है। ये मैं आपको दिखा रही इस्तांबुल में रमज़ान की तैयारी, और ये वो ये अमूमन लोग ये स्वीट्स और ये बहुत ज़्यादा लेते हैं रोज़ा खोलते हुए। हाँ, ये अरबी की शॉप है और ये अरेबिक लोग बहुत ज़्यादा ये खाते हैं रफ्तार के वक्त। इसको काटते हैं अंदर से मीठा होता है, वो देखें वो अभी और लेकर आया है, इसके अंदर चॉकलेट होती है। तो यहाँ की बड़ी फेमस ये है मैडम रफ्तार की, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ये अरेबिक लोग खाते हैं। ये देखें जी, ये शॉप है लेडीज़ और जेंट्स की, इधर जेंट्स की है उधर लेडीज़ की है। लेकिन यहाँ मौसम ऐसा ही है, कभी ठंडा कभी गर्म, लोग कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा पहनने। दोनों रख दिए उन्होंने, जो लेना है लो। फुल शॉपिंग चल रही है क्योंकि ईद है परसों। अभी मैं इस मार्केट में आई हूँ, ये देखें बेबी किड्स और ये और जेंट्स और लेडीज सब की है, तीनों की वैरायटीज है, बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ की, सब की। तो यहाँ हर तरह के कपड़े मिलते हैं। मैं जा रही हूँ अंदर, देखती हूँ क्या क्या वैरायटी है। ये देखिए इसके साथ ये ट्राउज़र भी है, ये शर्ट भी है, वो पिंक और वो अच्छा है ना, ये भी अच्छे हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये सिर्फ कोट्स हैं, ये भी हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये भी शर्ट, लेकिन ये बड़ा साइज़ है, ये मैक्सी स्टाइल में, ये अच्छा, ये रो है रोम पर। ये देखें यहाँ से ये बच्चों का नीचे पोर्शन है, वहाँ देखती हूँ वहाँ की क्या वैरायटी है। ईद है, ईद की शॉपिंग चल रही है।